राजस्थान सरकार का गाय को लेकर बड़ा फैसला। गाय को आवारा कहने पर लगाई रोक, आवारा की जगह कहना होगा बेसहारा। राजस्थान सरकार ने गाय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार के इस फैसले की अब हर तरफ चर्चा भी हो रही है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी विधायकों की गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग के बीच राज्य सरकार ने गौवंश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार ने गाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवारा शब्द पर आपत्ति जताई है। सरकार ने इसकी जगह सम्मानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आदेश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर बकायदा गोपालन विभाग ने रविवार देर रात प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में गौवंश के लिए आदेश भी जारी कर दिए। राजस्थान के भजनलाल सरकार के गोपालन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें गोवंश को आवारा कहना गलत और अपमानजनक बताया गया है। सरकार के गोपालन विभाग की ओर से कहा गया है कि खुले में घूम रही गोवंश के लिए आवारा की जगह बेसहारा या फिर असहाय शब्दों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होगा। गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि गाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। इन दिनों विभिन्न कारणों से गौवंश बेसहारा और असहाय हो जाती हैं, जो सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर असहाय अवस्था में दिखाई देती हैं। इसकी वजह से इन गौवंश के लिए आवारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो पूरी तरह से अपमानजनक और अनुचित है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध है। और खुलेआम घूम रही गौवंश को आवारा नहीं बल्कि बेसहारा और असहाय गौवंश कहकर संबोधित किया जाना चाहिए। बता दें आपको, लंबे समय से नगर निगम और नगर परिषदों में गाय को लेकर आवारा गाय शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके लिए अब गोपालन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में भविष्य में आवारा गायों के स्थानों पर बेसहारा और असहाय गाय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार की ओर से गाय को प्रदेश में राज्य माता का दर्जा दिया गया है। इसके बाद से लगातार दूसरे प्रदेशों में भी अब इसकी मांग सामने आ रही है। इसी क्रम में राजस्थान में सीकर से बीजेपी के विधायक गोवर्धन वर्मा ने गाय को राज्य माता का दर्जा की मांग की थी। अब राज्य में गाय के संबंध में आवारा शब्द का उपयोग नहीं करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से पहले कांग्रेस हमलावर नजर आई थी। विपक्षी कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया था कि बीजेपी राजस्थान में गायों की स्थिति के बारे में केवल दिखावा कर रही है, उनके कल्याण के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद भजनलाल सरकार ने गायों को लेकर यह बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।